देश भर में सीए के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी के प्रयागराज में राजश्री टंडन विश्वविद्यालय ने सीए पर 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जो कि इस नए कानून के बारे में बताया गया। इस प्रोग्राम का नाम जागरूकता कार्यक्रम नागरिकता संशोधन अधिनियम रखा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति कामेश्वर नाथ सिंह ने कहा कि कई छात्रों ने पाठ्यक्रम से पहले ही दाखिला ले लिया था और इसे जनवरी में शुरू किया जाएगा। ये कार्यक्रम सीए के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। सीए एक सार्वजनिक मुद्दा और देश का एक कानून है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। आपको बता दें कि इसमें प्रवेश के लिए आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। इंटर पास कोई भी छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश कर सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अनुराग पटेल जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक जो ये कोशिश की गई है सीए को लेकर, जिस तरीके से लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों में विरोध हो रहा है, अब इस पाठ्यक्रम का कितना असर लोगों में दिखाई देगा? जी बिल्कुल करिश्मा जी, देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है, यह एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। हालांकि यह विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर है। इस विश्वविद्यालय का स्थायी केंद्र भी प्रयागराज के क्षेत्र में फाफा मऊ में बनाया गया है। यह विश्वविद्यालय एक नोटिफिकेशन जारी किया है नागरिकता संशोधन अधिनियम पर। हमारा विश्वविद्यालय 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स यानी शुरू किया है, जो इस नए कानून के बारे में बताएगा और 3 महीने का शैक्षणिक सर्टिफिकेट भी देगा। और जब इस प्रोग्राम का नाम भी जागरूकता कार्यक्रम नागरिकता संशोधन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कई छात्रों ने सीए के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना शुरू कर दिया है। 12वीं पास का कोई भी छात्र हो वो प्रवेश ले सकता है। इसमें प्रवेश के लिए आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। इस पाठ्यक्रम की फीस 500 रुपए बताई जा रही है। साथ ही अध्ययन सामग्री व शैक्षणिक सारी सुविधाएं विद्यालय की ओर से दी जाएगी। अगर बात करें विश्वविद्यालय के कुलपति कामेश्वर नाथ सिंह ने जो उनके माध्यम से जो जानकारी मिली है कि उन्होंने बताया कि एक सार्वजनिक मुद्दा है सीएए और देश एक कानून है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद से ही इस पर विवाद शुरू हो गया। देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। तो इसको इस विशेष ध्यान में रखकर सीए के प्रभाव के बारे में छात्रों को जागरूक करेंगे और इससे छात्र जागरूक होकर स्वयं सीए के पर जागरूकता और फैलाने का काम करेंगे छात्र भी। बिल्कुल। और अनुराग, जिस तरीके से कुलपति की तरफ से कहा गया है कि पाठ्यक्रम के शुरू होने से पहले ही लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी अपना करवा लिया, तो लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग किस तरीके से इसकी सराहना कर रहे हैं पूरे पाठ्यक्रम की? से ही चालू हो गया था हालांकि प्रवेश, और छात्रों से जहां तक अभी हम जब छात्रों से जानकारी जो मिल पा रही है और लोगों से जो जानकारी मिल रही है उनमें उसी की लहर है कि कम से कम ये सीएए में गंभीरता तो शैक्षणिक स्तर तक जान तो सकेंगे वहां से जाके विद्यालय से यूनिवर्सिटी में। और उनको जो लोग भ्रमित हैं उनको भी वो एक संदेश देंगे और जानने के बाद। हालांकि लोगों में एक उत्साह है, छात्रों में एक उत्साह है, लोग एडमिशन के लिए आतुर हैं, क्योंकि कई लोगों से बात हमारी हुई तो वो लोग भी बताए कि अब एडमिशन के लिए हम लोग पहुंच गए और एडमिशन कराएंगे। 3 महीना कितना महीना, 3 दिन का दिन ही होता है, अब पहुंच के एडमिशन कराएंगे और जानेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जहां देश भर में लगातार सीए का विरोध हो रहा है, लोग इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं, वहीं अब यूपी के प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय में सीए पर 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है।